आज डेट है 13 नवंबर 2021 का, हफ्ते का दिन है और कल संडे। संडे को मैच है केंगरू और कीवीज के दरमियान, फाइनल क्रिकेट। अब ये फाइनल हमारा भी हो सकता था, लेकिन जैसे कि हम जो एशियन नहीं कह सकते, बरसगीर पाक व हिंद, बरसगीर पाक व हिंद में, क्योंकि इंडिया में भी तकरीबन ऐसे ही चलते हैं, इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन एक ही जैसे हैं। तो खैर, मैंने वहाँ पर तो ज़िंदगी नहीं गुजारी, इसलिए मुझे उसके बारे में तो जस्ट जो मैं फिल्मों या ड्रामों वगैरह में देखती हूँ तो उस हद तक मालूमात हैं, लेकिन पाकिस्तान तो मेरा अपना मुल्क है, तो इसलिए इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सही बात कर सकती। तो पाकिस्तान के बारे में मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकती हूँ। या हमारा जो मेन मसला है ना, वो है जिद्दबाजी का। लोग जिद्दबाजी पर बहुत जल्दी उतर आते हैं। अब ये पूरी जो हम क्रिकेट हार गए, सिर्फ एक बंदे की वजह से हार गए। इस बंदे के बारे में पहली कैप्टन जब इसे कहा गया कि इसको निकाल दो, ये अब नहीं खेल सकता इस मैच में, ये नहीं चल, तो कैप्टन साहब ने कहा कि नहीं, इसके तो खाते में बड़े बड़े मैच लिखे गए हैं, इसने फलाना मैच जीतवा फलाना। तो ये बात तो सही है, ठीक है, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन कुछ टाइम इस तरह आते हैं ना कि उसमें एक इंसान फिर सही तरीके से नहीं चल पाता। तो ऑलरेडी हमारे पाकिस्तानी टीम के साथ और एक्स्ट्रा खिलाड़ी गए थे जिनको बाहर बिठाया गया था, तो भाई उन्हें खिलाओ ना, पहले पता तो चले, जो छोटे मैच है उनमें खिलाओ, उनमें उनकी कारकर्दगी का पता चल जाएगा कि आया वो चल पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो जब स्कूल का कोई बच्चे भी मतलब मेरी जो भतीजा है स्कूल में पढ़ते हैं, उसको कोई सवालात वगैरह समझ नहीं आ रहे होते, या मेरी बहन है यूनिवर्सिटी में, बाज़ात वो कोई थीसिस या किसी चीज़ पे काम कर रही होती है, तो उसका दिमाग काम छोड़ देते हैं, वो फिर फेड अप हो जाती है, उसको गुस्सा आता है, या मेरे भाई है कादी आज़म यूनिवर्सिटी में, उसको या फिर इस तरह होता है, फिर मैं उनसे कहती हूँ आप काम छोड़ दो, इसमें आप ब्रेक करो, आप ये छोड़ दो कि आपके पास टाइम कम है और आपने इतने इतने टाइम में ये मुकम्मल करना है। मैं कहती हूँ इन्हें, अगर आपने इतने टाइम में उनको मुकम्मल करना है, तो जिस तरह आपकी इस वक्त सिचुएशन है, इसमें आप फिर सही नहीं कर सकते, आप अपने उसमें गैप पैदा करो, थोड़ा टाइम लो, रिलैक्स करो, चाय पियो, इधर उधर टहलो, आपसी बातें करो, उसके बाद फिर आपको आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा और आप उस काम को सही तरीके से कर पाओगे। तो यही हाल यहाँ भी था, अगर एक खिलाड़ी एक मैच में नहीं चल पा रहा, तो देखो ज़रूरी नहीं है कि वो बाकी मैचों में भी ना चले, लेकिन हो सकते इस वक्त कुछ सितारे उसके गर्दिश में, वो सितारे साथ ना दे रहे हो, तकदीर साथ नहीं दे रही, उसको टाइम चाहिए शायद रेस्ट का, तो उसको बिठाओ, दूसरे बंदे को खिलाओ, लेकिन यहाँ पर जिद्दबाजी शुरू हो, नहीं यही खेलेगा तो यही खेलेगा, मैंने कह दिया तो जो ये जो मैंने कह दिया का जो लफ्ज़ है ना, ये फिर सारा जो आपका सिस्टम है ये सारा ख़राब कर देते हैं। तो ये पाकिस्तान इस फाइनल में हो सकता था, लेकिन ये जो मैंने कह दिया तो कह दिया, अगर ये लफ्ज़ बीच में ना होता ना, तो इतवार के दिन हम पाकिस्तान का फाइनल देख रहे होते हैं।